एंड वेलकम बैक टू कटारियास इंडियन किचन। सो फ्रेंड्स, अमेजन से मैंने परचेस किया है अगारो का ये रॉयल पॉपअप टोस्टर, 2 स्लाइस का ये पॉपअप टोस्टर मैंने परचेस किया है। तो आज हम इसका रिव्यू करेंगे, साथ ही मैं आपको दिखाऊंगी कि आप इसे बिल्कुल आसान तरीके से किस तरीके से यूज कर सकते हैं और इसमें एकदम इंस्टेंट हम बहुत ही टेस्टी सा एक ब्रेकफास्ट बनाएंगे। तो चलिए इसका रिव्यू शुरू करते हैं और इसे देख लेते हैं। तो इस तरीके का आपको ये मिलता है अगारो का रॉयल 2 स्लाइस पॉपअप टोस्टर, काफी कॉम्पैक्ट सा साइज है इसका। अगारो का ये पॉपअप टोस्टर आपको इस तरीके की सी ग्रीन कलर में मिलता है। साथ ही इसकी जो बॉडी है वो स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है, जो कि बहुत ही अमेजिंग सा इसका लुक आ रहा है इसकी वजह से। इसी के साथ यहाँ पे आपको इसमें 3 इस तरीके के बटन मिल जाते हैं, जो कि है कैंसिल का, फिर आप देखें तो यहाँ पे रीहीट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो डीफ्रोस्ट भी कर सकते हैं अपने ब्रेड स्लाइस को। अगर आपने फ्रोजन ब्रेड का इस्तेमाल किया तो उसे डीफ्रोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पर इसमें एक नॉब मिल जाती है, जिसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे सेटिंग दिए गए हैं 1 to 7 तक। तो जो ब्रेड स्लाइस आप यूज कर रहे हैं उसे आपको कितना क्रंच यानी कितना क्रिस्पी रखना है उसके हिसाब से आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। थिन या फिर थिक ब्रेड स्लाइस जब आप यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी आप यहाँ पे जैसे थिन ब्रेड है तो 1 से 2 पे आप इसे सेट कर सकते हैं, थिक ब्रेड है तो उसे यहाँ पे आप 4 to 5 पे सेट करके यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरीके का एक लीवर मिल जाता है, जो कि जब आप इसमें ब्रेड लगाएंगे तो यहाँ पे फिर आप इसे नीचे कर देते हैं, तो आपका जब ब्रेड यहाँ पे अच्छे से बिल्कुल टोस्ट हो जाता है तो ये बिल्कुल ऊपर हो जाता है और ये पॉपअप होता है, जो की मैं आपको आगे बताऊंगी। इस तरीके का जो ब्रेड स्लाइस आप इसमें लगाएंगे, काफी अच्छा सा इसमें स्पेस दिया गया है, तो आप काफी अच्छे से बड़ी साइज वाली ब्रेड भी इसमें लगा सकते हैं। और साथ ही अगर आप देखें तो इसमें इस तरीके का हमें पावर केबल मिल जाता है, साथ ही यहाँ पे मैनुअल यूजर दिया गया, जिसे आप और भी इसे देखकर डिटेल में समझ सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक क्रम ट्रे भी इसके साथ आता है, जो कि आप देख सकते हैं इस तरीके से आप क्रम ट्रे को निकाल सकते हैं। जब आप ब्रेड को यहाँ पे इसमें टोस्ट करें तो उसके जो छोटे छोटे क्रम्स होंगे वो इस ट्रे में डायरेक्टली जाएंगे और फिर आप क्या कर सकते हैं, इसे निकाल के क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए अब हमारे ब्रेड को यहाँ पर हम टोस्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 ब्राउन ब्रेड के रेगुलर वाली जो ब्रेड होती है उसकी स्लाइसेस ले लिए हैं। आप देख सकते हैं इसमें काफी स्पेस है, तो आप बड़ी वाली जो सैंडविच ब्रेड आती है उसे भी यहाँ पे टोस्ट कर सकते हैं। अब इसका लीवर था उसे मैंने नीचे कर दिया है और साथ ही यहाँ पे हम इसे 5 की सेटिंग पर सेट कर देंगे। तो मुझे ये ब्रेड थोड़ी सी ज्यादा क्रंची चाहिए, साथ ही थोड़ा सा अच्छी वाली ब्राउनिंग चाहिए इस पे, इसलिए मैंने इसे 5 की सेटिंग पर सेट किया है। और इसे अब हम अच्छे से यहाँ पे टोस्ट होने देंगे और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से हमारी जो ब्रेड स्लाइस है वो टोस्ट हो चुकी है, काफी क्रंची है और एकदम अच्छी वाली ब्राउनिंग आई है इस पर। अगर आपको थोड़ा सा लाइट कलर चाहिए तो आप यहाँ पे इसे 3 पर सेट कर सकते हैं। तो 2 और मैंने ब्रेड के स्लाइसेस में डाल दिए थे और अगर आप देखें तो ये भी अच्छे से हमारे टोस्ट हो गए हैं। यहाँ पर मैंने इसे 3 पर सेट किया था, तो इस तरीके का कुछ आपको कलर मिलेगा, लेकिन ये भी बहुत ही अच्छे से एकदम क्रंची हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने ब्रेड स्लाइस को अच्छे से बिल्कुल टोस्ट कर लिया है और नीचे जो ट्रे था उसे भी हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हल्के हल्के से इसमें जो क्रम्स ब्रेड के गिरे हैं, अब हम इसे क्लीन कर लेंगे। और यहाँ पर आप चाहें तो ब्रेड को टोस्ट करने के बाद इस तरीके से डायरेक्टली इस पे बटर लगा के इंजॉय कर सकते हैं, या फिर कुछ इस तरीके से एकदम हेल्दी सी आप एक सैंडविच बना सकते हैं। तो चलिए इस हेल्दी सी सैंडविच को बना लेते हैं। इस हेल्दी सी सैंडविच को बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ डिजानो का ये पीनट बटर, जो कि है हनी वाले फ्लेवर में, साथ ही नेचुरली स्वीट है और एकदम क्रीमी टेक्सचर आता है इसका। आप इसे जरूर से परचेस कर सकते हो, काफी सारी रेसिपीज में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने पीनट बटर को बढ़िया से टोस्ट की हुई हमारी ब्रेड के ऊपर अच्छे से लगा लिया है और अब हम इसके ऊपर छोटी छोटी पीसेस करके बनाना को कट करके लगा लेंगे। आप यहाँ पे स्ट्रॉबेरी या फिर अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और इसके ऊपर जो हमारा दूसरा वाला ब्रेड स्लाइस है उसे हम अच्छे से इसके ऊपर रख देंगे, हल्का सा प्रेस कर लेंगे और ये हमारा इंस्टेंट ब्रेकफास्ट रेडी है। बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है इस तरीके से अगर आप सैंडविच बना के इंजॉय करते हैं तो, एंड हेल्दी है साथ ही साथ बहुत ही इंस्टेंट बन जाता है, बिल्कुल इंस्टेंट ब्रेकफास्ट आपका रेडी हो जाता है। जरूर से ट्राई कीजिए। अगर आप एक बजट फ्रेंडली पॉपअप टोस्टर खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसे खरीद सकते हैं। अगारो का ये रॉयल पॉपअप टोस्टर बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, आप जरूर से इसे ले सकते हैं। इसकी परचेस लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जरूर से उसे चेक कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको इसके रिगार्डिंग और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में जरूर से पूछ सकते हैं। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।